हेलो स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। क्लास क्लास नाइन हिंदी मीडियम साइंस। औसत चाल के बारे में काफी सारी बातें कर चुके हैं, आज हम बात करते हैं औसत चाल। औसत चाल के बारे में हम लोगों ने काफी सारी बात देखी थी। औसत चाल के बाद आज हम बात करते हैं त्वरण की। आज किसकी बात करते हैं? त्वरण की। देखो त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अब वेग क्या होता है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। सर वेग क्या होता है? देखो वेग को चाल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चाल तो सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड शो करता है चाल में, तो भैया कितना स्पीड इसका है, 2 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड। बट वेलोसिटी में आप उसके डायरेक्शन के अपने साथ कंसिडर करते हो। जैसे कि एग्जांपल था, मान लो कि बच्चा आपने देखा कि डायरेक्शन में जाता है 2 मीटर पर सेकंड, थोड़ी देर बाद घूम लिया इस डायरेक्शन में जाने लगा 2 मीटर पर सेकंड, फिर थोड़ी देर बाद और फिर से डायरेक्शन में जाने लगा 2 मीटर पर सेकंड, फिर थोड़ी देर बाद उस डायरेक्शन में जाने लगा 2 मीटर पर सेकंड, फिर इस डायरेक्शन में जाने लगा 2 मीटर पर सेकंड, फिर इस डायरेक्शन में जाने लगा 2 मीटर पर सेकंड। तो आप थ्रू मोशन देख रहे हो कि पार्टिकल चल तो एक जैसा रहे, चल तो अभी भी वो 2 मीटर पर सेकंड से ही रहा है ना। आप देखो सर, पहले वाले केस में 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, दूसरे में 2 मीटर पर सेकंड से, तीसरे फिर भी 2 मीटर पर सेकंड, हर बार 2 मीटर पर सेकंड से ही है। लेकिन डिफरेंस अंदर क्या आ रहा है? अंदर शिफ्ट आ रहा है कि ये हर बार इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, फिर नीचे हो गया, फिर इस डायरेक्शन हो गया, फिर नीचे, फिर इधर, तो अपनी दिशा चेंज करता है बार बार। दिशा बदलती है इसकी ना, अगर दिशा बदलती है इसकी बार बार, उसका मतलब हुआ इसकी जो चाल है, चाल तो मतलब नहीं चलते हैं टो 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 टो, मतलब चाल तो कैसे इसकी एक समान है, चाल तो समान है, लेकिन क्या वेग भी एक समान है? नहीं, वेग अलग अलग है। क्योंकि अभी तो वेग है 2 मीटर पर सेकंड एक्स डायरेक्शन में, फिर आप कहोगे 2 मीटर पर सेकंड माइनस वाई डायरेक्शन में, फिर 2 मीटर पर सेकंड एक्स डायरेक्शन में, 2 मीटर पर सेकंड माइनस वाई डायरेक्शन में, 2 मीटर पर सेकंड माइनस एक्स डायरेक्शन में, 2 मीटर पर सेकंड प्लस वाई डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन बार बार चेंज होगी। सपोज एक बच्चा है वो इस तरह से बोला है या एक तरह से वृत्त है, इस वृत्त में चक्कर काट रहा है, उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, क्या उसकी चाल नियत है क्या? हाँ, क्योंकि स्पीड 2 मीटर पर सेकंड ही है। आप जब इधर जा रहे हो चाहे कहीं पर भी उसको 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हो, तो आपका स्पीड आपका जो चाल है वो तो कैसा है? आपका चाल उतना नहीं है। अरे भाई, अगर बच्चा हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से ही भाग रहा है, तो उसकी चाल तो कैसा हो गया? नियत। चाल कैसा हो गया? नियत। लेकिन क्या उसकी दिशा चेंज हो गई है क्या? वजह से यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में भाग रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा था, यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ इधर जा रहा था, तो क्या उसका स्पीड अलग अलग है क्या? हाँ, स्पीड अलग अलग है। तो जब स्पीड अलग अलग है तो सॉरी वेलोसिटी अलग अलग है, चाल एक समान नहीं है। क्या बात समझे? क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग है। सॉरी, मैं लिख ही देता हूं आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं। चाल को है इसका नियत और वेग नियत नहीं है। ये क्या है? नियत नहीं है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है कि कैसे वेग नियत है, कैसे चाल नियत है? इसके आगे की बात करते हैं। देखो त्वरण किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, मैं 3 एग्जाम्पल बताऊंगा, तो बाकी आप लोग कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल, एक लोग या एक गेंद इस डायरेक्शन में जाने 2 मीटर पर सेकंड से, और 10 सेकंड बाद इसका स्पीड इस डायरेक्शन में बढ़ता है
बाईस मीटर पर सेकेंड, तो बताओ त्वरण कितना। पहला क्वेश्चन तो आप कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर त्वरण कितना है, ए त्वरण ए बराबर, हम त्वरण को आप ए से गुणा कर सकते हो, तो त्वरण ए बराबर, ए को एक्सेलरेशन कहते हैं, एक्सेलरेशन को बोलते हैं, इसलिए ए ए बराबर अंतिम वेग, अंतिम वेग कितना है 22, प्रारंभिक वेग कितना है 2, समय कितना लगा 10 सेकंड, 10 तो 22 से हो जाएगा 20 मिनट 10 0 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मान क्या होता है, इसका मान होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आपको पता है आपको इसका मतलब पता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर करेक्ट। तो एक क्वेश्चन तो ये हुआ जब इसका स्पीड इस डायरेक्शन में था, इसका स्पीड भी इसी डायरेक्शन में, एक तो त्वरण इस डायरेक्शन में जा सकता है, नोट कर लेना फटाफट इसको वीडियो पॉज कर। अब दूसरा दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें तो वही एक बॉडी इधर इस डायरेक्शन में जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से या 20 मीटर पर सेकंड से, मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, तो बाद में स्पीड इसका इस डायरेक्शन में रहेगा 4 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम में लगेगा 10 सेकंड, घटने में कितने टाइम लगेगा 10 सेकंड, और साथ त्वरण कितना। तो अब आप देखो, अब आपको इक्वेशन ये सोचना है कि एक्सीलरेशन